हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 10 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऑप्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि ऑप्टिक्स हमने 9 क्लास से अब तक पढ़ ली, तो वो भी पार्ट महत्वपूर्ण था, मगर अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्टिक्स वर्ड आता है तो ऑप्टिक्स वर्ड आते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहला शब्द आता है वो आता है लेंस। ये लेंस जो यहाँ लगे, तो ऑप्टिक्स का जो पहला वर्ड सोचते हैं हमारे दिमाग में आता है लेंस। हम आज उसी के बारे में बात करनी शुरू कर रहे हैं। तो लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर अपवर्तन किस आधार पर होता है, कौन से नियमों के आधार पर होता है, ये हम आज की इस क्लास में डिस्कशन में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बात अपनी यहीं से शुरू करते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंस आमतौर पर दो गोलीय सतहों के बीच की ऐसी आकृति होती है जिसका उपयोग अपवर्तन करने के लिए किया जाता है। इट इज अ डिवाइस बिटवीन टू स्फेरिकल सर्फेसेस यूज्ड टू रिफ्रैक्ट द लाइट। मगर यह जनरल परिभाषा है, सामान्य परिभाषा में ये बेलनाकार आकृतियां भी हो सकती है। सिलेंड्रिकल लेंस एस्टिगमेटिज्म का इलाज करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो वहां पर जो है ये दो बेलना कर सकते हैं। तो हम तो कुल मिलाकर के एक ऐसी बात करेंगे कि भाई दो सतहों के बीच ऐसा माध्यम जो प्रकाश के अपवर्तन का कार्य करता है लेंस कहलाता है। तो लेंस की जो जनरल परिभाषा है वो ये है कि इट इज अ मीडियम कन्फाइंड बिटवीन टू सरफेसेस एंड यूज्ड टू रिफ्रैक्ट द लाइट। नाउ ये कितने प्रकार का होता है, ये इसका क्लासिफिकेशन हमने दो प्रकार से किया हुआ है। क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप से किया हुआ है। पहला टाइप लेंस का जो हमने किया हुआ है वो किया हुआ है आकृति का। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये दो टाइप के होते हैं। ये नाम आपने छोटी बसों से बार बार पढ़े हुए हैं। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। नाउ ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो हमारे पास में लेंस है उत्तल और अवतल लेंस जिनको अपन नाम दे रहे हैं, ये उत्तल और अवतल लेंस जो हमारे पास में है ये हमारे लिए किस हिसाब से महत्वपूर्ण है या किस हिसाब से काम करते हैं, इनको पहचाना कैसे जाए, इसी के ऊपर अपन अगली एक दो क्लासों में जो है बात करेंगे। फिलहाल कौन सा लेंस उत्तल होता है और कौन सा अवतल होता है, आपके मन में कई चीजें हो सकती है। आपके मन में एक उत्तल और अवतल नाम सुनते ही हो सकता है ऐसा एक चित्र दिमाग में आ रहा हो कि ये उत्तल होता है और ये वाला अवतल होता है, ऐसा आवश्यक नहीं। मगर परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो इनसे आप दे सकते हो। परिभाषा क्या है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में से मोटा होता है। एग्जैक्ट यही परिभाषा आपको लिखनी है कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में से मोटा होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है, और उल्टा ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है वो कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। लेंस थिन एट एंड्स एंड थिक एट मिड इज कॉन्वेक्स लेंस एंड लेंस थिक एट एंड्स एंड थिन इन मिड इज कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे पास में इनकी परिभाषा है। ये खुद तीन तीन प्रकार के हो सकते हैं, ये खुद आगे तीन तीन प्रकार के हो सकते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं, और अवतल लेंस तीन प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमारे पास पहला टाइप है अवतल लेंस का वो आपने देखा जो आपके पहचान में आता था ये वाला। दूसरा
एक साइड प्लेन हो गई और दूसरे साइड पर अभी भी गोलाई पड़ी है, ऐसा समझ लो इसको बीच में से दो हिस्सों में काट। तीसरा टाइप वो सरफेस तो ऐसी ही है बट ये सरफेस थोड़ी कम है, चांद जैसा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अवतल लेंस की जब हम बात करते हैं तो पहला टाइप तो ये है, दूसरा टाइप में इसको बीचों बीच से काटते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, और तीसरा टाइप में ये कुछ ऐसा। अगर आपको ये लास्ट वाला का उदाहरण देखना हो तो ये मैं मेरे चश्मे से दिखा सकता हूं, अगर आप इसके लेंस को देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि ये किनारों पर तो इस तरीके से मोटा है और बीच में से ये पतला, ये लास्ट वाले का उदाहरण है अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो। नेक्स्ट इनके नाम है, अगर उत्तल वर्ड लिया जाए तो उत्तल का मतलब है उठे हुए से, उठी भी सरफेस ये बाहर उठी भी सरफेस है दोनों तरफ, तो इसलिए ये है इधर भी उत्तल इधर भी उत्तल, जो दोनों साइड है उनके बीच में ओ की मात्रा लगाकर की संधि करनी है, ये है उत्तल प्लस उत्तल, अगर आप संधि लगा दोगे तो अ और उ मिलके ओ हो जाते हैं, तो इस लेंस का नाम है उत्तलोत्तल। कई बार इसको द्वि उत्तल भी बोला जाता है, इधर है समतल इधर है उत्तल, तो इसका नाम है समतलोत्तल। इधर है अवतल अंदर की तरफ और बाहर उत्तल, तो इसका नाम है अवतलोत्तल, ठीक है। सब जगह लेंस 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 तो आपको लिखना है, इसके दो नाम है पहले बड़े थे बातों के, कितना ये इधर भी अवतल, तो जब आप अवतल प्लस अवतल करोगे तो अ और अ मिलके आ बनने वाला है, तो इसका नाम होने वाला है अवतलावतल, इसका नाम होने वाला है समतलावतल, और इस लास्ट पड़े का नाम होने वाला है अवतलावतल। इसका नाम द्वि अवतल भी होता है। अंग्रेजी बड़े सोच रहे होंगे कि ले सर तो आज संधि पटाने लगे, तो नाम इनके अंग्रेजी में होते नहीं क्या? बिल्कुल होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं। अंग्रेजी में जो उत्तल है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स, यहां पे ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स, तो अंग्रेजी में संधि तो होती नहीं इसलिए अपन बीच में लगा देंगे ओ, तो इट इज कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, इसका नाम है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। जैसा दोनों साइड कॉन्वेक्स है तो इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। प्लेन और कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो इट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉनकेव दोनों साइड कॉनकेव, तो कॉनकेव और कॉनकेव। और बाई कॉनकेव भी हो सकता है, प्लेन और कॉनकेव तो प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव और दूसरी साइड एक साइड कॉन्वेक्स इधर उठा हुआ है और उधर से कॉनकेव, तो इट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
नाम तो मैंने छह को बता दिया, याद रखना महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके फर्स्ट थ्री हैं उनके लास्ट में जो नाम आप लिखोगे उस नाम में उत्तल होगा, कॉन्वेक्स होगा, और जो आप जो है प्लेनो कॉन्वेक्स वो कॉन्वेक्सो प्लेन नहीं लिख सकते। इसलिए ध्यान रखना लास्ट में जो नाम आएगा, सर नेम की तरह जैसे नाम में पीछे जाति लिखी जाती है, वैसे ही आप यहाँ पर जब इनका नाम लिखोगे तो लास्ट में इसकी कैटेगरी उत्तल आनी चाहिए, और उनके लास्ट में अवतल आना ही चाहिए। अंग्रेजी में इनके पीछे कॉन्वेक्स आने चाहिए और उनके पीछे कॉनकेव आने चाहिए। कुछ और भी खास बात है इनके अंदर, वो खास बात क्या है उसके ऊपर भी चलता है। खास बात ये कि जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर ये दो गुणों का हिस्सा होता है। अगर लाइट इधर से आ रही है, हम सभी में लेफ्ट साइड से आने वाली लाइट को मानने वाले, तो लाइट लेफ्ट साइड से अगर आ रही है तो सबसे पहले इस सतह पर टकराएगी, इस गोले पर जिसको टकराएगी तो उसका सेंटर यहाँ है। सेंटर की जो त्रिज्या होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पढ़ने पढ़ी है ये परिभाषा पीछे, और ये वक्रता केंद्र है। तो ये जो दूरी आप यहाँ पर नापने वाले हो आर, यहाँ पर ध्रुव कहीं पर होगा और ध्रुव से उस साइड में जब आप डिस्टेंस नापोगे तो ये वक्रता त्रिज्या धनात्मक आने वाली, क्योंकि आपतित किरण इधर से आएगी और वो दूरी इधर नापोगे वो भी कैसी आएगी, प्लस की। तो ये आर वन वक्रता त्रिज्या जो इसकी है वो प्लस की रखी, जबकि आर टू पीछे वाली जो सेकंड सतह है इसकी अगर आप त्रिज्या को निकालोगे तो उसका केंद्र इधर होगा और उसकी त्रिज्या जब निकलेगी तो वो माइनस की आएगी। आपतित किरण की दिशा में दूरी को धनात्मक और उसके विपरीत ऋणात्मक लेते हैं। तो अगर आप हमारी भाषा में पूछो कि इसके अंदर खासियत क्या है, तो मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम बोले तो बाई कॉन्वेक्स लेंस या द्विउत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, इसके लिए आर वन तो प्लस का होता है मगर आर टू जो है वो माइनस का होता है। इसकी खासियत क्या होती है प्लेनो कॉन्वेक्स, आर वन प्लेन सरफेस है जहां से लाइट आने वाली है वो प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का मतलब है अनंत त्रिज्या, तो आर वन तो है अनंत बट आर टू स्टिल माइनस की। अगर आप इस वाले को देखोगे तो इसके दोनों ही गोले इस साइड ही बनने वाले हैं, तो आर वन और आर टू दोनों ही माइनस के आने वाले, तो इसके लिए आर वन भी माइनस का और आर टू भी माइनस का होने वाला। इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए इधर पहला गोला होने वाला है तो आर वन प्लस का बट आर टू माइनस का, इसके लिए आर वन जो है वो प्लस का और आर टू जो है वो माइनस। अगर आप इसको देखोगे तो एग्जैक्ट इसके जो है आर वन जो है वो माइनस का और आर टू जो है वो प्लस का होने वाला है। कैसे, ये जो इस तरीके से है इसका पहला गोला इधर होगा तो ये आर वन इस साइड में जो निकलेगी वो माइनस की निकलेगी और आर टू जो साइड निकलेगी वो प्लस की निकलेगी। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट ये वैल्यू इस वाले के विपरीत है, उल्टी। नेक्स्ट, इसमें आर वन अनंत हो गया मगर आर टू अभी भी प्लस है, ये वैल्यू इसके जैसी ही है बस चिन्ह का फर्क। नेक्स्ट और लास्ट, इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों गोले उस साइड होने वाले, तो दोनों गोले प्लस के आने वाले, आर वन भी प्लस का आने वाला है और आर टू भी प्लस का आने वाला है। तो ये इनकी वक्रता त्रिज्याओं के चिन्हों का फर्क है। हमारे लिए इन छह लेंसों में फर्क क्या है, हमारे पास में इन छह का जो फर्क है वो है इनकी वक्रता त्रिज्याओं का चिन्ह का फर्क। तो मैं आपके लिए एक बार इसको वीडियो को जूम इन करने वाला हूँ, आप एक बार के लिए इसको इतना पहले पॉज करके बना लीजिएगा। आर वन आर टू का चिन्ह थोड़े से आपको क्लियरली दिख जाए इसलिए मैं इसको एक बार जूम इन भी करने वाला हूँ, तो आप इसको आराम से देख लीजिए। ये हमारा सबसे पहला जो है लेंस, अवतलोत्तल लेंस, आर वन प्लस का आर टू माइनस का। सेकेंड, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए आर वन इनफाइनाइट आर टू माइनस का। थर्ड जो है अवतलोत्तल लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसके लिए आर वन जो है वो अनंत, आर वन जो है वो प्लस का और आर टू जो है वो है माइनस का। थर्ड वाले के लिए जो बाई कॉन्केव लेंस है उसके लिए आर वन माइनस का, आर टू प्लस का। थर्ड वाले के लिए
आर वन इन्फाइनेट, आर टू पॉजिटिव, और लास्ट वाले के लिए दोनों ही पॉजिटिव। तो ये है इनका बेसिक डिफरेंस। तो आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नाउ हमारे पास लेंस की एक और कैटेगरी भी है। मैंने कहा था लेंस जो होते हैं उनके दो टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम दो प्रकार से उनको वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला आकृति का आधार पर किया था, दूसरा जो है वो कार्य का आधार। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ये दो टाइप के देखिए कि कार्य कौन सा। मान लो कोई लेंस है, मुझे नहीं पता वो नौ में से कौन सा इसलिए मैंने एक बार के लिए एक लाइन के रूप में डॉटेड लाइन के रूप में इसलिए बनाया कि आप ये समझ लें उन नौ में उन छह में से कोई एक लेंस है। अब इसके ऊपर समांतर किरणें हमने भेज दी, आपतित किरणें। ये जो चारों किरणें हैं ये आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो अगर लेंस ना होता तो ये सीधी मुदत रहती है, चूंकि लेंस है तो ये क्या करेगा, या तो इनको चारों को एक पॉइंट पर भेज करके मिला देगा, जहां पर ये मिलाएगा इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, और जहां पर ये जितनी दूरी के बाद मिलाएगा इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। या ये ऐसा भी कर सकता था कि ये इस लाइट को इस हिसाब से फैला देता कि आपको ये फील होता कि ये लाइट इस पॉइंट से आ रही है, तो ये F और ये वाली स्मॉल फोकस दूरी। अगर ये ऐसा काम कर रहा है कि लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ज करना, तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में कन्वर्जिंग लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। अगर लाइट को फैला दिया है, फैलाने को अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्स कर दिया है, तो इट इज डाइवर्सिंग लेंस। और हिंदी में डाइवर्स को बोलते हैं अपसरण करना, तो इसका नाम है अपसारी लेंस। फैलाने वाला लेंस अपसारी लेंस, इकट्ठा करने वाला लेंस अभिसारी लेंस। तो ये हमारे पास में परिभाषा भी यही होगी कि जो लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, समांतर प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, वो अभिसारी लेंस कहलाता है। लेंस विच कन्वर्स द पैरेलल लाइट एट अ पॉइंट इज कन्वर्जिंग लेंस। और जो समांतर प्रकाश की किरणों को फैला देता है वो अपसारी लेंस कहलाता है। एंड विच डाइवर्स और एक्सपेंड द पैरेलल लाइट रेज इज डाइवर्जिंग। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण इनकी बात है वो ये, हम इनको कैसे पहचानेंगे। अगर आप देखो तो लाइट इधर से आ गई, ध्रुव यहाँ पे लेंस पे होगा, तो लेंस से आगे उस दूरी को जब आप नापोगे फोकस दूरी की, उस दिशा में नापोगे तो फोकस दूरी प्लस की होने वाली है। अब अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, और अपसारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की होती है। ये ध्यान रखना, आमतौर पर मैं वर्ड यूज अंडरलाइन करके कहना चाहूंगा, आम तौर पर अभिसारी लेंस उत्तल लेंस ये होते हैं, वो जो तीन कैटेगरी के उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस है। आम तौर पर वर्ड को थोड़ा हाईलाइट करते कह रहा हूं। सेकंड टाइप जो हमारे डाइवर्जिंग लेंस है, जो तीन टाइप के अवतल लेंस है वो आम तौर पर
अपसारी लेंस होता है आमतौर पर। आमतौर का वॉयलेशन कब होगा? आमतौर पर लेंस क्या होता है, किस चीज का बड़ा होता है? कांच का। और रखते कहाँ हैं हम? हवा में। अगर हवा और कांच का उल्टा कर दिया जाए, लेंस हो हवा का और माध्यम चारों तरफ हो कांच का, आपको सर ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है, आपने कभी कांच के अंदर हवा का बुलबुला देखा होगा? कंचे के अंदर, पेपर वेट के अंदर, वहां पर जो है हवा का बुलबुला फंस सकता है। तो वो हवा का बुलबुला आकृति से अवतल उत्तल होता है, मगर वो जो उत्तल हमारे पास में है वो डाइवर्जिंग में होता है। तो आमतौर पर ये हमेशा के लिए कोई रूल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि आमतौर पर जब कांच का लेंस और हवा में रखा हुआ है तब तो उत्तल लेंस ही अभिसारी होते हैं और अवतल लेंस ही अपसारी होते हैं। बट जब कोई विरल माध्यम का लेंस हो पर वो सघन माध्यम में रखा हुआ हो तो इनकी कैटेगरी उल्टी हो जाती है। तो उत्तल वाले तो अपसारी हो जाते हैं और अवतल वाले अभिसारी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको जो है छोटी सी बात याद रखनी है कि इस कैटेगरी में उत्तल लेंस कब आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस कब आएंगे, जब लेंस जो है वो सघन होगा और जो माध्यम है वो विरल होगा। अंग्रेजी में बोलूं तो जो लेंस है वो डेंसर होगा और जो मीडियम है वो रेयर होगा, तब ये कैटेगरी होगा, ठीक है। और इस कैटेगरी में अवतल कब आएगा? अवतल तब आएगा जब लेंस विरल होगा और माध्यम सघन हो जाएगा। मीन्स लेंस के रेयर और मीडियम के डेंसर हो जाने पर ये हो सकता। नेक्स्ट, इस कैटेगरी के अंदर अवतल कब आएगा? ये बड़ी कैटेगरी जो उत्तल के लिए उसके लिए थी, वो अवतल के लिए इसके लिए। इस कैटेगरी में कॉनकेव कब आएगा? जब हमारा लेंस डेंसर होगा और मीडियम रेयर होगा। और इस स्थिति में उत्तल कब आएगा, कॉन्वेक्स कब आएगा? जब लेंस रेयर होगा और मीडियम डेंसर होगा। जो लेंस है वो सघन और जो माध्यम है चारों तरफ हवा वाला वो विरल, या लेंस विरल जैसे हवा का बुलबुला और माध्यम या तो पानी या कांच। तो ये हमारे पास में इसका उदाहरण है। ये ऐसा क्यों है, क्यों उत्तल और अवतल माध्यम अलग अलग हो रहे हैं पर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बढ़ते हैं? क्योंकि फोकस दूरी का चिन्ह अलग अलग आता है। फोकस दूरी का चिन्ह क्यों अलग अलग आता है, ये हम अगली क्लास में जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे तब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से जो है कुछ पार्ट आपका जो है काट रहा हूँ ताकि नीचे का पोर्शन आप पूरा अच्छे से देख पाए। तो आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, देन हम जो है अगले टॉपिक पर चलने वाले हैं। व्हाट्स नेक्स्ट, इससे भी अपवर्तन के नियम आपको याद आएगा। जो गोलीय दर्पण से उससे हमने परावर्तन के चार नियम पढ़े थे, जिसने हमें चार किरणें दी थी और चार किरणों से हमने वो चित्र बनाए थे। सी के पीछे रखेंगे तो काम बढ़ेगी, सी पे रखेंगे तो काम बढ़ेगी। वैसे ही यहां पर भी जब आप लेंस पढ़ते हो तो लेंस के साथ टॉपिक आपको याद आता है कि कहां कहां रखने पर कहां इमेज बनेगी। तो वहां पर चार नियम थे या तीन ही नियम, उन तीन नियमों का हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। उन तीन नियमों के आधार पर हमें तीन किरणें मिलेगी और तीन में से कोई दो किरणें सेलेक्ट करके, एनी टू, दो किरणें हम सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हम वो हमारे चित्रों को बना सकते हैं। तो
अगला टॉपिक जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो तो होगा उन डायग्राम्स का, बट फिलहाल इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले वो ये है कि ये हमारे जो डायग्राम्स हैं उनको बनाने के लिए वो तीन किरणें तीन नियमों से जो मिलेंगी वो तीन नियम कौन से हैं, तो उन तीन नियमों की बात करते हैं। तो आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे लेंस से अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन बाय लेंस। देखो आपके लिए तो ये लेंस ही है, बड़े लेवल पर जब आप जाओगे बड़े लेवल पर पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो नियम है ये सिर्फ पतले लेंस के लिए, लेंस पतला बहुत है, मींस पतला लेंस की भाषा अगर मैं समझाऊं, पतला और मोटा अपन कब कहेंगे, पतला और मोटा तब कहेंगे जब फोकस दूरी का मान जो आने वाला है वो त्रिज्या की तुलना में ज्यादा आने वाला है तब वो पतला है। फोकस दूरी तो बहुत है, कुछ मीटर्स में है, और जो त्रिज्या है वो कुछ सेंटीमीटर्स में है, और इसका उल्टा हो जाए तो वो मोटा लेंस है। तो हम पतला और लेंस की बात कर रहे हैं तो ये थिन लेंसेज के लिए है। तो पहला नियम वही है जो आपका उसके लिए भी होता था, ये कौन है पी ए लिखेगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। पहला नियम ये था कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आती है तो वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है, या तो जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो रूल फर्स्ट आप लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। पॉज करके आप डायग्राम्स को बनाएंगे दोनों। सेकेंड लॉ पर चलते हैं, सेकेंड लॉ जो लेंस होता है उसके फोकस दोनों तरफ होते हैं, आगे भी होता है पीछे भी होता है। तो हमारा लॉ यह है कि अगर लाइट की रे फोकस से गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। अगर आपकी जो लाइट रे है वो इस हिसाब से आई थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये फोकस पर आने वाली है तो ये क्या करेगी, ये पैरेलल इस कंडीशन में इधर वाले फोकस में। तो ये है हमारा अगला रूल नंबर टू, यदि आपतित प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इफ इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू और पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस पॉइंट देन आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए तो ये रहा आपका सेकेंड लॉ, आप पॉज करके इसका डायग्राम बना दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट थर्ड रूल हमारा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस दोनों ही लेंसों के लिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अभिसारी हो चाहे अपसारी हो, अगर लाइट आएगी कहां पर, पोल पर, तो लाइट रे एकदम सीधी निकल जाएगी बिना रुके, जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही उधर बनेगा, ये वही वाला रूल है। तो आप इसके अंदर देखेंगे लाइन ध्रुव या प्रकाश केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण सीधी गुजर जाती है, लाइट रे इंसिडेंट एट पोल और ऑप्टिकल सेंटर कंटिन्यू टू मूव ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ।
ये तीन रूल की इम्पोर्टेंस को याद रखना, ये तीन रूल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन तीन रेज को देने के लिए, जिनसे हम दो रेज कोई भी चूज करेंगे और डायग्राम्स को बनाएंगे। डायग्राम्स हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं, तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और आप अगली क्लास जब लें तो उसके लिए आप अपना स्केल और जो है मैं चाहूँगा कि पेंसिल रबर साथ में लेकर के बैठें, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ सके। टिल नाउ आपको मेरी तरफ से बाय, घर में रहिए, सेफ रहिए।